मानवी, सबसे पहले तो और अमोल आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सीजन टू लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या मन में है वो हम जानना चाहेंगे आज। बहुत सारा डर, एक्साइटमेंट है मन में। सीजन वन आया था, सीजन वन को बहुत प्यार मिला था, बट वो दो साल पहले की बात है, तब समय अलग था, तब सीरीज़ कितनी बनती थी हमें पता है, अब इतनी सारी सीरीज़ बनती है, अब उसके बीच में जगह भी बनानी है, प्यार है अभी भी लोगों का, तो होपफुली वो प्यार वापस मिलेगा। और हमने एक्चुअली कुछ देखा नहीं है सीजन टू का, तो हाँ पहली बार देखेंगे, तो वो थोड़ा एक नर्वसनेस है बस। हाँ सीजन टू में खास मतलब है तो कहानी वही है, कहानी वही नहीं है मतलब कैरेक्टर्स वही हैं और कहानी नहीं है, बट वो वापस जर्नी पे जाएंगे क्योंकि वो तो फॉर्मेट है शो का, ट्रिपलिंग है, तीन लोग जो ट्रिप पे जाते हैं, मतलब नई ट्रिप है, तो इस बार वो क्यों जा रहे हैं नई ट्रिप पे और वहाँ क्या होगा वो सब तो नया ही होगा, तो वो जो हो रहा है इस कहानी में उसका पिछली बार से कोई लेना देना नहीं है, बट तीन लोग वही हैं तो उनके आपस के रिश्ते वही हैं, बट जो उनके साथ हो रहा है वो नया है। मानिए ये दो साल पहले था सीजन वन, अब दो साल बाद आया और काफ़ी वेब सीरीज में रहा आगे, तो आप नो डाउट के कुछ नया लेकर आ रहे हो, तो कुछ नया कुछ आपने किया ही होगा, तो लेकिन इसमें कितनी जो पहली बार था तो दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें होंगी कि पहला सीजन हिट था, तो आप नेचुरली कुछ उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे दर्शकों को, क्या करने वाले हैं? हाँ तो एक्चुअली हमें भी यही डर था कि क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ आ गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कैसे वो स्टैंड आउट करना इज़ दैट मच मोर हार्ड, लेकिन हमने जब रिलीज़ किया था पोस्टर पहली बार, तो हम सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रैश हो गए थे, और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लोगों को अभी भी याद है, अभी भी दे आर अटैच्ड टू द शो, और वो होता ना कि अगर आपको एक कैरेक्टर पसंद है, यू इन्वेस्ट इन दैट, तो आप यू वॉन्ट टू वॉच मोर ऑफ देम, तो नॉट टू से कि हम ओवर कॉन्फिडेंट है, पर हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी ऑडियंस है वो पुरानी वाली तो है ही, और इस बार नए लोग भी उसमें शामिल होंगे। मैंने कुछ शेयर करना चाहोगे सीरीज के कुछ पल, कुछ यादें जो भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं, पर ऐसी काफ़ी, क्योंकि इस बार हम बहुत टाइम के बाद और ये एक हम पहले काम कर चुके हैं तीनों, तो एक वो ट्यूनिंग थी जो बैठ चुकी थी ऑलरेडी, तो उसके बाद इस बार हमें और मज़ा आया। इस बार जो हमारे डायरेक्टर है समीर सक्सेना, वो भी हमारे वो भी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत फ़नी है, बहुत चिल हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया, और उनकी जो पूरी टीम है वो भी इज़ वेरी मतलब गुड एंड प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट, तो जब सब एक साथ एक सिनर्जी में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है, एंड आई थिंक हमको बस उसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। मानी वेब सीरीज़ का फ्यूचर आप मतलब इंडिया में आने वाले समय में और यूथ के अंदर आप कैसा देखते हैं, क्योंकि काफ़ी अब यूथ के अंदर वेब सीरीज़ को जो देखते हैं, चाहे टीवी शो चाहे आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो वेब सीरीज़ का वो जो है काफ़ी लोग देखने लगे हैं, तो क्या कहेंगे कि आने वाले, क्या आप भी काफ़ी वेब सीरीज़ कर रहे हैं? जी तो नहीं, अब तो जैसे दो साल पहले आप पूछते तो मैं बोलती कि वेब इज़ द फ्यूचर, लेकिन अब वेब इज़ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, तो अभी और प्लेटफॉर्म्स आएंगे और वेब सीरीज़ बनेंगी, और अच्छी बात ये है कि सब नया कुछ नया करना चाह रहे हैं, नई कहानियाँ सुनाना चाह रहे हैं, नए एक्टर्स को लेना चाह रहे हैं, नई या पुरानी कहानी अगर है भी तो उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि डिफरेंट अलग अलग तरह के नैरेटिव्स आएंगे, अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलेंगे, और क्योंकि यूथ वेब ज़्यादातर जैसे आपने कहा कि यूथ में ही कंज्यूम होता है ज़्यादा, तो हम लोग मतलब TVF या जो भी बाकी प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो उनके साथ कनेक्ट कर पाए, तो इसलिए दे विल बी मोर रेलेवेंट, और इस आज के ज़माने के कहानियाँ होंगी, आज के ज़माने की तरह जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे बात करते हैं कैरेक्टर्स, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। आप दो थे और मानवी अकेली थी, तो कौन भारी पड़ा? नहीं, इसमें भारी पड़ने वाली बात ही नहीं है, जैसा शो में है वैसे रियल लाइफ में है, कि किसी सीन में कोई एक भारी पड़ता है, दूसरे सीन में दूसरा भारी पड़ता है, तो और वही आई थिंक रिश्तों का असली रिश्ते वही हैं, वही स्ट्रांग होते हैं जहाँ पे बैलेंस हो इन चीज़ों का। अगर क्या ऐसा है जो इसमें जर्नी आपको देखने को मिलेगा युवाओं? यार इसमें वही है कि हमें जैसे लगता है कि हमने ट्रिपलिंग के बाद, मैंने भी 5 शो किए 6 शो किए, मानवी ने इतने शोज किए, सुमित ने और शोज किए, बट जब हम ये वापस से ट्रिपलिंग शूट करने आए वापस, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ट्रिपलिंग अगर आप देखोगे ऑन द सर्फेस बहुत सिंपल शो है, ऐसा कुछ भी उसमें बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो रहा है, तीन लोगों की कहानी है, उनकी बातें हैं, उनकी नोकझोंक है, बट फिर भी हमने किसी ने भी दो साल में ऐसा एक सिंपल शो शूट नहीं किया था, तो एक सिंपलिसिटी है उसमें, एक रिश्तों की जो नॉर्मल डे टू डे बातें हैं, नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्जेशन हैं, सीन्स हैं, वो चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें, कोई किसी के पास बंदूक लेके नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, तो उस तरह की बड़े इवेंट नहीं है, छोटी छोटी बातों की कहानी है,
और फॉर सम रीज़न उतने उस इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बहुत सारे शोज़ नहीं बनते. अगर शोज़ बनते हैं तो कुछ बड़ा होता है, कुछ गैंग्स होते हैं या कुछ मर्डर होता है या क्राइम होता है. तो ये आई थिंक ये मुझे लगता है कि एक स्पेशल चीज़ है. उस टाइम पे भी शो की थी और इस टाइम पे भी शो किया कि बहुत सिंपल शो है. ये परिवार देख सकते हैं, मेरे पापा मम्मी आए हैं देखने आज यहाँ पे, इसके पापा मम्मी आए देखने, मैंने अपनी मौसी को बुलाया है, मौसी का बेटा कजन आया है. तो इस तरह से है कि तो ये पहली बात तो 5 अप्रैल को TVF प्ले और सोनी लिव पे आ रहा है ट्रिपलिंग सीजन 2. आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है इसको ऑलरेडी, वैसे ही इसको सपोर्ट कीजिए और एंड वॉच इट अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ. ये एक स्लाइस, जैसे अमोल ने पहले कहा कि ये स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप का है, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बात कहने की कोशिश है. और जो प्यार है, मुझे मैं हमेशा ऑडियंस को बोलता हूँ, मुझे जो फैंस मिलते हैं उनको ही बोलता हूँ कि एक होता है कि प्यार मन में होता है, बहुत अच्छा लगता है वो मन वाला प्यार, बट वो अगर आप दिखाएंगे तो हमको और अच्छा लगेगा. बिकॉज वो होता है, जैसे कई बार आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आपको लगता है आप घर चले जाते हैं, बट आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इट ऑलवेज़ हेल्प्स. एंड नॉट ओनली वो अच्छा लगता है, वो हमें हमारे लिए फ़ायदा भी है, हम एक्टर्स के लिए, बिकॉज हमारे पास यही है. अगर हमारे हम और काम मांगने जाते हैं किसी के पास तो हम यही दिखा पाते हैं कि देखिए इतने सारे लोग हमें प्यार करते हैं, इतने सारे लोग हमारे काम की सराहना करते हैं. तो अगर आप जितना दिखाएंगे उतना और काम हम कर पाएंगे. शूटिंग दिल्ली में थी और लखनऊ में, तो फूड वूड का कैसा रहा, कहाँ अच्छा लगा दिल्ली के अंदर, फूड की बातें कर भी रहे थे. तो नहीं, मुझे तो, मैं तो दिल्ली की हूँ तो मुझे तो एनीवे सब पता है कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है. तो मैं, मेरा फेवरेट बिग चिल है क्योंकि मैं वो स्कूल कॉलेज के दिनों से वहाँ जाती आ रही हूँ. तो वहाँ, हाँ वो, बाकी मुझे गोलगप्पे पसंद है बहुत, तो वो मैं लाजपत नगर या बंगाली स्वीट्स में जाके खाती हूँ. बाकी मोमोज एक है एम ब्लॉक, जीके एम ब्लॉक में एक है ब्राउन शुगर करके एक जगह है, वहाँ के मोमोज. उनको पैसे लेने चाहिए उनसे. हाँ यार, मैं उनकी बहुत पब्लिसिटी कर रही हूँ, मैंने 3-4 जगह पे बोल दिया है. और छोले कुलचे. चित्रन का करेक्टर एक प्लेयर उसमें हाँ, तो ये तो खैर हमने सीजन 1 में भी हल्का सा एस्टैब्लिश किया है कि वो थोड़ा उसके शौक हैं कुछ, जो शायद लीगल नहीं है बट हैं. बट ऐसा है कि वो अगेन वो डिपिक्शन वैसा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पीता है या किसी तरह का नशा करता है, सिगरेट पीता है, मोस्टली हम ऐसा दिखाते हैं कि ऐसे लोग खराब लोग हैं, गलत लोग हैं, जो सिगरेट पी रहा है वो विलेन है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. तो आई थिंक उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि प्रमोट करने की कोशिश है, बट उस चीज़ को एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश है यार, कि वो एक, वो भी फन लविंग है, वो कुछ ऐसा नशा करके कुछ दंगा नहीं कर रहा है, वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, या वो कहीं जाके कुछ क्राइम कमिट नहीं कर रहा है. सो आई थिंक विच इज़ वाई पीपल लाइक इट. एंड ऐसा उससे बहुत ज़्यादा, मैं आपने भी देखा कि छोटा सा सीन है वो ला के दिखा देते हैं. सो इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ हु इज, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली, इट्स नॉट, ही इज़ नॉट जस्ट अबाउट. हाँ जी, क्या उसके बारे में, साड़ी वाला रूप आपका जी, तो किसको पसंद ना आए, हिट होगा, हिट होगा वो. अरे नहीं नहीं, मतलब कहानी के हिसाब से जो सही है वो करेंगे. तो इनको जो डायरेक्टर है हमारे समीर को, उनको लगा कि ऐसा लुक होना चाहिए कि पॉलिटिशियन, जो देखकर ही लगे पॉलिटिशियन है. ऑल्सो क्योंकि ये मेरे किसी भी काम से बहुत अलग लुक है. तो हाँ, और बस साड़ी तो आई थिंक एनी वे इज माई फेवरेट गारमेंट ऑनेस्टली. आई जस्ट विश कि मुझे पहनना आता हो इतनी अच्छी तरह से, बट नहीं आता है मुझे, तो मैं इसलिए मैं रियल लाइफ में उतना नहीं पहन सकती, पर हाँ मौका मिला है तो किया है. सवाल मानू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों ना आने वाले समय में भी जो हमारे फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं उसमें भी वेब सीरीज के लिए, और मेरे ख्याल से मानवी उसके लिए. हाँ, मैं भी ये मानती हूँ. नहीं, वेब सीरीज के लिए एक्चुअली है काफ़ी अवार्ड्स, बट हाँ फिल्म फेयर का नहीं है. मे बी आने वाले कुछ सालों में या एक आने वाला अगले साल में हो जाएगा. बट हाँ बाकी अवार्ड तो हाँ आज अभी इसको हम बनाते हैं #filmfareforweb. हाय गाइस, आई एम मानवी गागरू. प्लीज कीप वाचिंग ट्रिपलिंग सीजन 2 एंड कीप वाचिंग दिल्ली 99. थैंक यू. Hi, my name is Amol Parashar. Please watch my show Tripling Season 2 that is coming out on 5th of April on TVF Play and Sony Live. And keep watching Delhi 99.